खेत से जुताई कर शव को बाहर निकालती पुलिस की ये तस्वीरें बुलंदशहर के खुर्जा के देहात थाना क्षेत्र के पुराला मकसूदबाद की हैं और जमीन खोदकर पुलिस द्वारा जिस 16 वर्षीय नाबालिग रश्मि की लाश को यहां से निकाला जा रहा है उसे मौत की गहरी नींद सुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का बड़ा भाई है। इतना ही नहीं, छोटे भाई के हाथ से जानकारी जब बड़े भाई को हुई तो बहन के नाबालिग हत्यारे भाई के गुनाह को हमेशा के लिए दफन करने के लिए बड़ा भाई भी उसके इस गुनाह में शरीक हो गया। दरअसल दो दिन पहले यानी 7 अप्रैल को दोनों नाबालिग भाई बहन खेत में गेहूं की कटाई कर रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों भाई बहनों में कहासुनी हो गई। इस दौरान नाबालिग भाई ने छोटी बहन रश्मि के सिर पर जोरदार डंडा मार दिया जिससे नाबालिग बहन बेदम हो गई। आरोपी नाबालिग भाई ने घटना की जानकारी अपने बड़े भाई को दी और दोनों भाइयों ने मिलकर बहन के लहूलुहान शव को खेत में गाड़ दिया। घटना की भनक लगने पर आज गांव के चौकीदार द्वारा पुलिस को घटना की जानकारी दी गई तो पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को हिरासत में लेकर उसे सख्ती से पूछताछ कर आरोपी की निशानदेही पर रश्मि का शव खेत से बरामद कर लिया। पुलिस ने रश्मि के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है जबकि की पुलिस अपनी शुरुआती जांच में इसे गैर इरादतन हत्या मानकर चल रही है। पप्पू सर, दोनों में लड़ाई हुआ और एक दूसरे को। किस किस में लड़ाई हुई? हमारे भाई में और बहन में। पता नहीं क्या कारण था क्या नहीं, सर डंडे से मारे। सब खामो खा के अफवाह 7 तारीख के शाम को सर ये सब खेत में क्रम में मेरा भाई था जो क्राइम जो करा है और उसका साथ मैंने 16 साल सर हमारे पड़ोस में बताया जो कि हमारे बहुत मैं उनका बहुत आभारी रहूँगा। नहीं शाम गए थे हम साहब ये 7:30 के साहब ये तो खामोखा काप हुआ है ये तो खामोखा एक बच्ची पे खामोखा आरोप है सर। हमने नहीं गई, छोटे वाले भाई ने की थी, वो भी 16-17 साल गई है, उससे 1 साल बड़ा है। तो छोटे भाई की तो आपने हत्या में मदद की है ना? हाँ बस ये हो गया। थाना खुर्जा देहात क्षेत्र में पुराला गाँव का एक मजरा है मकसूदाबाद, वहाँ सूचना मिली थी पुलिस को कि किसी बच्ची की वहाँ संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है और घर वालों ने उसके भाइयों ने इस बात को छुपाते हुए उसके शव को कहीं छुपा दिया। इस सूचना पर पुलिस ने गहराई से छानबीन की, पूछताछ की और ये प्रकाश में आया कि लगभग 2 दिन पूर्व एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष थी 16 वर्षीय भाई के साथ खेत में काम कर रही थी। इसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हुआ और अचानक तैश में आकर जो बड़ा भाई है 16 वर्षीय उसने उसको डंडा मारा जो बच्ची के सर में लगा। संभवतः गंभीर चोट पहुंचाने का मकसद ना रहा हो लेकिन चोट सर में लगी थी, गंभीर थी, इसलिए बच्ची की कुछ ही देर बाद मृत्यु होगी। इस बच्चे ने ये सोच कर कि मेरे विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो अपने बड़े भाई को विश्वास में लिया और दोनों ने मिलकर इसके शव को छुपा दिया। पूछताछ के बाद पुलिस तलाश करती हुई खेत में एक स्थान पर पहुंची और उनकी निशानदेही पर सबको बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हिरासत में ले लिया था? एक आरोपी को जो कि पुलिस ने प्रकाश में आया है कि इसमें कृत्य में सम्मिलित है उसको हिरासत में ले लिया। बुलंदशहर से Time 24 न्यूज के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।